Hello everyone. From today I am going to start our new chapter subgroup. अब देखो, एक तो अपने पास है subgroup, एक है subset. इसमें फर्क क्या है? सबसे पहले तो subgroup की definition. Subgroup की definition हमारे पास क्या है? A known empty subset H of a group G under some composition is said to be a subgroup of G if H under that same composition is itself a group. तो देखो, अब group के लिए तुम्हारे को पता है कि हमने चार properties कही हैं. कौन कौन सी? पहली हो गई closure, second associative, third existence of identity, fourth existence of inverse. अगर कोई भी एक subset किसी भी सेट का एक सबसेट, क्योंकि देखो जब हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी तो सबसे पहले हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की. सेट में फिर सबसेट क्या होता है ये तुम्हें पता है, क्योंकि जैसे हमने किया कि नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल, रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर. इसी तरीके से अब सबसेट को हमने कर लिया, अब सब ग्रुप करना है. तो हमारे को क्या कहा है कि जी एक ग्रुप है और H भी एक ग्रुप होना चाहिए और वो उसका सबसेट भी होना चाहिए, यानी कि सबसेट भी होना चाहिए वो और सब ग्रुप भी होना चाहिए, तभी वो G का सब ग्रुप हो सकता है. कहने का पर्पज अब यहाँ पे ये क्या है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अपने पास अब देखो, एक तो हमने कहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल, इज कंटेन्ड इन इंटीजर, इज कंटेन्ड इन रैशनल, कंटेन्ड इन रियल, कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये हमने नंबर सिस्टम किया था सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग. हमने कहा कि फिर हम कंपोजिशन फिलहाल पहले कंसिडर करते हैं अंडर एडिशन. अंडर एडिशन में हमने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जीरो इसके अंदर नहीं है. इनवर्स माइनस वन का इनवर्स माइनस वन ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. तो फिर हमने होल नंबर और ये जो नेचुरल नंबर इन दोनों को हमने हटा दिया कि ये दोनों तो हमारे पास ग्रुप नहीं बनाते, ये दोनों ग्रुप नहीं बनाते. तो ग्रुप कौन कौन से बनाते थे अंडर एडिशन? इंटीजर, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स. अब देखो, जो इंटीजर है ये सबसेट भी है रैशनल नंबर का, और इंटीजर जो है ये ग्रुप की भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन. तो यानी कि इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ क्यू. तो यानी कि जी अगर मैंने कंसीडर कर लिया क्यू और एच कंसीडर कर लिया जेड, तो अंडर कंपोजिशन प्लस ये H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि Z इज अ सब ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, G और H तो हम नाम देते हैं, नाम से मतलब कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर ही हमेशा जरूरी नहीं, हम परमुटेशन ग्रुप, फंक्शन थ्योरी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, क्वार्टेरियन सेट, ठीक है, और या हमारी मर्जी के अपने नंबर्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. तो इसलिए हम नाम देंगे जी एच, ना कि रैशनल और इंटीजर. ये फिर मैंने तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है. देखो, अब जो ये इंटीजर है, सपोज इंटीजर एक ग्रुप है, ये मैंने कहा ग्रुप है, तो इसके अंदर दो तो इसके प्रॉपर सब ग्रुप होंगे ही होंगे. कौन सा? एक तो एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट तो हमारे पास हमने यहाँ पे कहा है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए. नॉन एम्प्टी में आइडेंटिटी एलिमेंट तो सब में कॉमन होता है. तो अगर केवल और केवल जेड में भी केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूं मैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला ग्रुप जो है वो तो, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक ग्रुप की और उसके सब ग्रुप्स की सेम होती है और वो तो मस्ट है कि एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, और आइडेंटिटी अपने आप का इनवर्स भी होती है. तो इस वजह से या तो केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, या इट सेल्फ, देखो G इज इक्वल टू या तो आइडेंटिटी एलिमेंट या इट सेल्फ, तो ये इसके दो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है कि जिसमें हमें कुछ भी कैलकुलेट ही नहीं करना पड़े, विदाउट कैलकुलेशन ही रिजल्ट होल्ड ही कर रहा है ऑटोमेटिकली.
तो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। तो H हमारे पास कब प्रॉपर सब ग्रुप, कब कहलाएगा प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, तब कहलाएगा अगर वो केवल और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ना हो और पूरे के पूरे सेट के इक्वल ना हो। तो इस वजह से मैंने एग्जांपल कंसीडर की जेड, क्यू और आर। तो अब जेड है जो, जेड पूरी तरीके से प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का। तो अब यहां से हमारे पास वैल्यू क्या हुई कि जो ये जेड है, जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ, यहां से जेड इज कंटेन्ड इन रैशनल नंबर अंडर एडिशन। तो ये अपने पास क्या है, जेड इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ रैशनल। अब इसी तरीके से आ जाओ, जो रैशनल है, रैशनल इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर सिस्टम। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, अंडर ऑपरेशन एडिशन। अब दोबारा से आ जाओ, अब देखो, अब यही रिलेशन, क्योंकि देखो जो इंटीजर है, इंटीजर केवल और केवल अंडर एडिशन ग्रुप बनता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता। तो अब मैंने क्या किया, इंटीजर को हटा दिया, कॉम्प्लेक्स भी हम डिस्कस नहीं कर रहे फिलहाल, बाद में जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम यूज करते जाएंगे। अब हमने इस चीज को हटा दिया, अब हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ली रैशनल एंड रियल। अब देखो जो ये रैशनल और रियल हमने लिया है, तो रैशनल और रियल में क्या चीज हुई, रैशनल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब मैंने ले लिया अंडर कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन, अब ऑपरेशन मैं कौन सा लेने लगी हूं, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो जो ये क्यू है, क्यू इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर। अब यहां पे ये रियल नंबर का क्यों नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर एक एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट करता है और अंडर मल्टीप्लीकेशन हर एक नंबर का इनवर्स होना जरूरी होता है और जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो ये रैशनल नंबर है, हर एक रैशनल नंबर पूरी तरीके से रियल नंबर के अंदर कंटेन करता है, तो सबसेट तो है पर ये सब ग्रुप नहीं है, रैशनल नंबर सब ग्रुप नहीं है। तो यहां पे फिर प्रॉब्लम किस चीज की आती है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन हम अब किस तरीके से लिखेंगे, क्यू प्लस इज कंटेन्ड इन रियल, क्यू प्लस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे जिसमें हमने जीरो को छोड़ दिया, जीरो को छोड़ दिया। तो अगर मैंने टू लिया तो टू का इनवर्स क्या हो गया, वन बाय टू, थ्री का इनवर्स क्या हो गया, वन बाय थ्री, वो भी होल्ड कर रहा है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारी एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर मैंने क्यू प्लस लिया है और ये रियल में कंटेन करता है, तो अब ये इसका क्यू प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपने को ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जो ये अपने पास थोड़ी सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि अब जीरो को मैं लू या छोड़ू, तो जब भी तुम काम करोगे तो मल्टीप्लीकेशन के अंडर, तो तुम यहाँ पे इसको स्पेशल केस की तरह मेंशन कर दोगे। कैसे, तुम लिखोगे, अब यहाँ पे जब मैंने रैशनल नंबर लिया है तो मैं लिखूंगी रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो मैं क्या ले लूंगी, रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब रियल नंबर में भी एक्सेप्ट जीरो, रियल नंबर में भी तो जीरो आती है, तो जब भी मैं नंबर लूंगी तो मैं वहां पे नंबर के साथ ये मेंशन कर दूंगी कि जीरो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और देखो जीरो हमारा सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट नंबर है, तो इस चीज को तुम्हारे को थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जीरो को एक्सक्लूड, अब देखो जो ये वन ओवर जीरो की ही वैल्यू है, वन ओवर जीरो को हम लिखते कैसे हैं, ये आपका वन ओवर जीरो का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, तो ये वाली वैल्यू है कि कोई चीज होगी तभी उसके अंदर डिवाइड होगा जब अपने पास यहाँ पे सपोज टू एप्पल्स हैं, टेन एप्पल्स कर देते हैं हम, टेन एप्पल्स हैं, फाइव स्टूडेंट्स हैं,
पास जब हम डिवाइड करेंगे 10 एप्पल्स को 5 स्टूडेंट में, तो 10 ओवर 5 अपने पास 2 आ जाएगा। तो पर अगर अपने पास 0 स्टूडेंट है तो 10 एप्पल डिवाइड हुआ 0 स्टूडेंट में। यानी कि जब किसी चीज में कुछ भी डिवाइड होने के लिए है ही नहीं, तो यानी कि मैं एप्पल किस में डिवाइड करूं? किसी में भी नहीं, तो यानी कि क्वेश्चन है ही कुछ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब रिजल्ट क्या होगा? जो मेरे 10 एप्पल हैं, क्योंकि वो किसी में भी बट नहीं पा रहे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, वो क्या हो गए? अब सरप्लस हो गए। सरप्लस का मतलब हो गया इन्फिनिटी हो गया, और वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब वो यूज ही नहीं हुए, कंज्यूम ही नहीं हुए, किसी में डिवाइड ही नहीं हुए, तो वो वेस्टेज हो गई टोटली, और ये हमारे पास सरप्लस हो गए। तो इसीलिए हम 1/0 को इन्फिनिटी भी यूज करते हैं, ठीक है, भी अनंत। तो यहां पे क्या है कि चाहे एक एप्पल है, जब कोई खाने वाला ही नहीं है तो वो टोटली वेस्ट जाएगा। तो ये और वो इतना मतलब सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तो ये अपने पास 0, इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम करता है। पर 0 के बगैर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अंडर एडिशन हम 0 लेकर चलेंगे, और अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप वाली थ्योरी में हम थोड़ा सा वैल्यू 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ वी विल शो दैट सेट MZ, दैट इज Z is for integer, of all integers multiple of n is a subgroup of Z. MZ का मतलब क्या हो गया कि 0, minus n, minus 2n, minus 3n, n, 2n and so on. For example, suppose Z की वैल्यू तुम्हें पता है कि 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, हम लेते हैं इंटीजर को। फिर अगर मैंने 2 टाइम्स इंटीजर लिखना है तो क्या चीज आ जाएगी मेरे पास? 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इंटीजर्स इनफाइनाइट है, तो अभी 2z भी इनफाइनाइट है। इसी तरीके से मैंने 3z का सेट लिख के देख लिया, 0 प्लस माइनस 3 6 9, 4 में आ जाएगा 4 8 12, 5 में आ जाएगा 5 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चाहे n की वैल्यू कुछ मर्जी हो, n शुड बी इंटीजर नंबर, ठीक है, तो उसमें अपने पास से या नेचुरल नंबर कह लो। तो यहाँ पे n, तो ये वाली वैल्यू जो मल्टीपल ऑफ n है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या नंबर आएंगे? इंटीजर में से ही बिलोंग करेंगे। और जो ये MZ है, देखो ये वाला सेट, ये वो, ये सारे के सारे क्या है? सब सेट है Z के, यानी कि MZ पूरी तरीके से कंटेन करते हैं Z के अंदर। तो यानी कि ये सबसेट तो है ही MZ के। तो अब अपने को सब ग्रुप प्रूव करना है। यहां से ये तुमने पेपर में ही करना, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें क्या बताना है कि जो ये MZ है, ये एक सब ग्रुप है इंटीजर्स का। तो पहले तो हम सबसेट ही बताएंगे। तो हमने बता दिया कि भाई MZ कैसे बताया कि Z एक ग्रुप है इंटीजर्स। हमें पता है कि Z इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, और MZ में क्या नंबर आए? MI। एम नंबर कौन सा है? इंटीजर का नंबर है। एन क्या? कोई भी नेचुरल नंबर है। जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास, और एन और एम दोनों ही इंटीजर में से बिलोंग करते हैं, तो इंटीजर्स, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो जो भी अपने पास एन और एम की मल्टीप्लीकेशन है वो तो इंटीजर में ही होगी। 5 × 7 करें, चाहे 100 × 235 करें, कोई भी नंबर करेंगे हम, तो वो नंबर नेचुरल MZ के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, तो वो इंटीजर में बिलोंग करना है उसने। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी कि इंटीजर में बिलोंग करेगा NM, कोई भी नंबर, तो इस ग्रुप का कोई भी नंबर NM टाइप का होगा, और वो NM इंटीजर के अंदर बिलोंग करेगा, जो कि हमने यहाँ से शो कर दिया। ये बस जस्ट टू हमारे माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये अपने पास क्या हो गया, तो MZ पूरी तरीके से Z के अंदर कंटेन कर गया, यानी कि इसका एक सबसेट है। तो अब हमारे को क्या करना है? सबसे पहले अपने को MZ को सब ग्रुप शो करने के लिए इसे ग्रुप शो करना पड़ेगा। सबसेट हम प्रूव कर चुके, Z हमें पता है कि ग्रुप है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे? चार प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने करा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई दो नंबर कंसिडर करे MZ सेट के। MZ सेट के मैंने दो नंबर लिए X और Y। जो x नंबर है वो भी इसी टाइप का होगा, y नंबर है वो भी इसी टाइप
का होगा, एन तो क्योंकि सेम ही है, चाहे तीन के मल्टीपल हो चाहे फाइव के मल्टीपल हो, तो नंबर एम वन और एम टू को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे कह दिया कोई नंबर एम वन कोई एम टू, और जो ये नंबर एम वन और एम टू है वो भी कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, फिर एक्स प्लस वाई किया तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, एन कॉमन निकल गया, एन कॉमन निकला तो एम वन प्लस एम टू। अब तुम्हारे को पता है कि एम वन और एम टू दोनों किसके नंबर है, इंटीजर के, इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती ही करती है, यानी कि एम वन प्लस एम टू जेड के अंदर बिलोंग करता है। अगर ये जेड के अंदर बिलोंग करता है तो इनका मल्टीपल भी जेड के अंदर, एन जेड के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, यानी कि एन जेड में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अब दोबारा आ जाओ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ इंटीजर्स में तो होल्ड करता ही करता है, और क्योंकि एन जेड इसका एक सबसेट है, और सबसेट वाले जो भी नंबर है, मान लो मैं कोई भी नंबर लेती हूँ एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर एन जेड के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो जेड के अंदर तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, और जेड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसका मतलब वही जो सेम प्रॉपर्टी है वो एन जेड के ऊपर भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्लोज तो हमारे हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एन जेड में भी होल्ड करेगी। इसके बाद फिर अब हम आ गए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया, एडिटिव आइडेंटिटी अपने को पता है जीरो होती है, तो हमने कहा कि जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू एन इंटू जीरो, और ये वाली वैल्यू भी किसके अंदर बिलोंग करेगी, एन जेड। देखो हमने हर एक सेट में यहाँ पे जीरो शो की हुई है, तो ये अपने पास है जीरो इज, तो ये जीरो हो गई। तो अगर मैं किसी भी नंबर में जीरो ऐड करूंगी, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब मेरे पास क्या चीज हो गया कि जीरो एन जेड की भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब फिर से आ जाओ, अब अपना कौन सा रह गया, इनवर्स रह गया। नाउ फॉर एक्स इज इक्वल टू एन एफ, मैंने कोई भी एक नंबर लिया जो कि एन जेड के अंदर बिलोंग करता है, तो वी हैव वाई इज इक्वल टू, तो क्योंकि इनवर्स है तो इनवर्स में अगर मैंने टू लिया तो टू का इनवर्स कितना लूंगी मैं, माइनस टू, तो मैंने इसी तरीके से एम की जगह पे माइनस एम कर दिया। और देखो अगर थ्री है तो माइनस थ्री, सिक्स है तो माइनस सिक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एन के साथ माइनस एम इस तरीके से ये यूज कर लिया। ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली ये भी एन जेड के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई, ये कितना हो गया एन एम प्लस एन इंटू माइनस एम, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई एन इंटू, ये वाली वैल्यू एम, और ये माइनस एन एम कट गया और इज इक्वल टू जीरो, और वो इक्वल टू फाइव प्लस एक्स भी यही सेम आएगा। इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि वाई इज इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब अपने को यहाँ पे पता चल गया एक्स और वाई हमने कौन से नंबर लिए थे, वो तो हमने जनरल कोई भी आर्बिट्ररी नंबर कंसीडर किया था। इसका मतलब हो गया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो हमने चार की चार प्रॉपर्टीज जो ग्रुप के लिए जरूरी होती है वो यहाँ एन जेड के लिए भी हमने प्रूव कर दी। एन जेड को हमने सब सेट भी शो कर रखा है, जेड हमें पता ही है कि ग्रुप है, एन जेड भी ग्रुप है, तो और एन जेड सबसेट है जेड का, तो इसलिए एन जेड सब ग्रुप हो गया जेड का। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो तुम्हें पता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, एंड सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वो भी तुम्हें पता है प्लस माइनस वन प्लस माइनस ओइटा होते हैं। ये अब तुम्हें बताना है कि सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप ऑफ ट्वेल्थ रूट ऑफ यूनिटी, ट्वेल्थ रूट ऑफ यूनिटी जी इज इक्वल टू सिस टू के पाई ओवर ट्वेल्व, इसके रूट तुम्हारे को बताने हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां ओइटा आ गया ये तुम्हें पता ही लग गया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में चले गए। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में अब तुम्हारे पास ये एच है एक सब ग्रुप, एक के है, एच क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, के क्या है फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देखो वैसे तो हम ये पहले भी कर चुके हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप, एच इज अ ग्रुप और के इज अ ग्रुप, फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे, देखो जब हमने तीन नंबर लिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह जब भी हम निकालते हैं तो हम जेड क्यूब इज इक्वल टू वन, जेड फोर इज इक्वल टू वन या जेड ट्वेल्व इज इक्वल टू वन ऐसे करते हैं, और इसको फिर हम सिस जीरो लिखते हैं, फिर हम सिस जीरो को इज इक्वल टू सिस टू के पाई लिखते हैं, फिर ये यहाँ पे इसका
पावर 1/3, फिर ये डाउनवर्ड आ जाती है, तो ये सिस 2 के पाई ओवर 3। ठीक है, ये हमने एलजेब्रा में किया हुआ है, अगर मैं लिखा है तुम्हारे को ध्यान ही होगा। और के की वैल्यू, जितनी वैल्यू यहाँ पे होती है 3, तो रिमाइंडर कौन कौन से बचते हैं, 0, 1 और 2, तो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो जैसे अगर के की वैल्यू अपने पास यहाँ पे रेज क्यूब रूट है तो हम 0, 1 और 2 लेंगे, फोर्थ रूट है तो 0, 1, 2, 3 लेंगे, और ट्वेल्थ रूट है तो ऑब्वियसली यहाँ गिवन भी है तो 0, 2, 11 लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे को पता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने यहाँ से निकाल दिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चाहे मैं ओमेगास को 50 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कितना आएगा, कोई ना कोई ओमेगा की पावर आएगी। ओमेगा की पावर फिर सॉल्व करूंगी तो एक हर बार मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर मैं मान लो ओमेगा रेज टू पावर 25 भी कर दूंगी तो 24 ये हो गया ओमेगा, 24 × ओमेगा 24 टू 1 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि 3 का मल्टीपल है और मेरे पास रह गया। और इसी तरीके से सपोज 26 होता तो ये हो जाता 24 × ओमेगा स्क्वायर हो जाता, और अगर मेरे पास होता ही 24 तब तो ये 1 बन ही गया था। तो इसी तरीके से हर एक नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, चाहे हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें, पूरी सेट थ्योरी में यही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। 1 इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा है, 1 का इटसेल्फ है। बिल्कुल सेम हम ये ओल्टा के लिए भी थ्योरी कर चुके हैं, और अदरवाइज बिल्कुल सेम प्रोसेस से तुम ये भी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब मुझे पता है देखो कि एच भी एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से के भी एक सब ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही जी मेरे को दे ही रखा है कि ये एक ग्रुप है, तो अब जी मेरे पास जो ये ग्रुप है वो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा। अब देखो मैंने सिस 2 के पाई ओवर 3 की ये 3 वैल्यूज लिख ली, तो ये तुम्हारे को पता है कि 0, 1, 2 के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू आई सिस 0, 2 पाई ओवर 3, सिस 4 पाई ओवर 3, तो इसको हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोला ही हुआ है। इसी तरीके से जब मैंने सिस 2 के पाई ओवर 4 किया तो 0, 1, 2, 3 आया, तो उसके करस्पॉन्ड मेरे पास सिस के शेप में वैल्यू कौन सी आती है, सिस 0, 2 पाई ओवर 4, सिस 4 पाई ओवर 4, सिस 6 पाई ओवर 4। फिर यहाँ पे क्योंकि मैंने के की जगह पे एक बार 0, 1, 2, 3 पुट किया, फिर जो कुछ कटता था काटने के बाद सिस 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 आ गया। फिर आगे मैं इसको सोल्व करूंगी, ये भी तुम्हें पता है कि कोस पाई बाय 2 प्लस ओल्टा साइन पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग जब मैंने इनकी वैल्यूज सोल्व करी तो ये 1 ओल्टा माइनस ओल्टा माइनस 1 और माइनस ओल्टा, ये इसकी 4 वैल्यूज आ गई। अब मैंने ये सारी की सारी यहाँ पे एक बार 12 की 12 वैल्यूज एक्सपेंड करके लिख दी। मैंने क्या किया, के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करी तो सिस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6, 8, 10 अप टू 22 पाई ओवर ओवर डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 12 तक ही आएगा, तो वो सारी की सारी मैंने 20 मतलब यहाँ पे 12 वैल्यूज लिखी। अब ये जो 12 वैल्यूज में से जो भी कुछ कॉमन डिवाइजर थे मैंने काट दिए। देखो सिस 0 इसको मैंने लिख लिया पाई बाय 6, इसको लिख लिया पाई बाय 3, ये वाला वैल्यू हो गई पाई बाय 2। अब तुम यहाँ पे देखो जो भी मैंने सारी वैल्यूज निकाल दी, अब ये चेक करो कि क्या एच इस 12 वैल्यूज का सब ग्रुप है, क्योंकि ये सब ये एच में ग्रुप प्रूव कर चुकी, के मेरा ग्रुप है, जी मेरा ग्रुप है। अब मुझे क्या चीज शो करनी है, एच और के मेरे अगर सबसेट है 12 ग्रुप के तो मेरा रिजल्ट होल्ड कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा। तो मैंने अब यहाँ पे देखो ये 12 वैल्यूज लिखी, सिस 0 तो है ही, सिस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो एक वैल्यू तो ये हो गई ओमेगा के केस में, और दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, सिस 2 पाई ओवर 3। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये पड़ी सिस 2 पाई ओवर 3, किसके करस्पॉन्ड, 2 पाई ओवर यहाँ पे ये अपने पास किसके करस्पॉन्ड आई है, 8 पाई ओवर 12 के करस्पॉन्ड। ठीक है, 8 पाई ओवर 12 के करस्पॉन्ड मेरे को क्या मिल गया, ये 2 पाई ओवर 3 मिल गया। फिर मुझे चाहिए 4 पाई ओवर 3, तो 4 पाई ओवर 3 मुझे किसके करस्पॉन्ड मिला है, ये मेरे को मिला है इसके करस्पॉन्ड, सिस 16 पाई ओवर 12 के करस्पॉन्ड मुझे कौन सी वैल्यू मिल गई,
सिर्फ 4π/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू, यानी कि मेरे पास अब देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके भी एलिमेंट है, ये 12th root of unity के भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि H इज अ सबसेट ऑफ G। H सबग्रुप भी है, सबसेट भी है G का, तो इसका मतलब क्या हो गया, H इज अ सबग्रुप ऑफ G। अब हम आ जाते हैं ओल्टा वाले पे। अब ओल्टा वाले में देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, सिस जीरो, सिस जीरो तो ये पहले नंबर पे पढ़ा ही है। अब दूसरा नंबर क्या चीज चाहिए, सिस पाई बाई टू। अब देखो सिस पाई बाई टू मेरा कहां पे आ गया, सिस पाई बाई टू, ये रहा सिस पाई बाई टू, ये इसके करस्पोंड आ गया 6π/12 के करस्पोंड, ये हो गया सिस पाई बाई टू। और मुझे कौन सा चाहिए, सिस पाई। अब देखो 12/12 के करस्पोंड, तो ये मेरे पास आ गया सिस पाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास सिस पाई भी आ गई। अब फिर आ जाओ मेरे को चाहिए सिस 3π/2। देखो ये रही मेरे पास सिस 3π/2 और ये मेरे पास आई है सिस 18π/12 के करस्पोंड, यानी कि मेरे पास के भी क्या हो गया, के इज अ सबसेट ऑफ जी। तो एच भी सबसेट है जी का, के भी सबसेट है जी का, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज फिर दोनों ही सब ग्रुप्स भी है, तो इस वजह से ये दोनों ही हमारे पास, हमें यही शो करना था कि एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एच है वो जी के अंदर, वो के अंदर कंटेन नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि ये देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज डिफरेंट है बजाय कि इनसे, तो इसका मतलब H इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ K। ठीक है, ये ध्यान रखना है H और K दोनों सब ग्रुप हैं G के, पर ये म्यूचुअल एक दूसरे के सब ग्रुप नहीं है। जबकि अगर सपोज मैं H को ले लेती इज इक्वल टू ±1, तो ये H ±1 ये क्या चीज है, ये हो गया सेकंड, मतलब अगर मैं कहूं z² = 1 तो क्या हो गया 2 roots of unity, तो उसमें क्या मेरे पास आया ±1, और 4th root of unity मेरे पास k है। और अब यहाँ पे h क्या है, h पूरी तरीके से k के अंदर कंटेन करता है, h भी ग्रुप है, k भी ग्रुप है, और h k के अंदर कंटेन करता है, और ये कंटेन करता है g के अंदर। ठीक है, तो H और K किसके सब ग्रुप है, K के ग्रुप, G के सब ग्रुप है, और इस बार H सब ग्रुप है K का, इस बार H सब ग्रुप है K का, K सब ग्रुप है G का, और H भी सब ग्रुप है G का, पर इस केस में H इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ K। हमें क्या शो करना था, H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ 12th root of unity। तो इन चीजों का तुम्हारे को ध्यान रखना है। आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू।